ओम शांति। आज 29 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा याद कर रहे उन बच्चों को जिनकी बहुत अच्छी अवस्था है। अच्छी अवस्था किसे कहेंगे? जो अवस्था एक रस अवस्था है वो अच्छी अवस्था है। ऐसे बच्चे जो सदा हर्षित मुख हैं, अचल अडोल हैं, स्थिर हैं, मस्त हैं, ऐसे बच्चे ही बाबा का नाम बाला कर सकते हैं, बाबा का परिचय दूसरों को दे सकते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि आप बच्चों को अपनी अच्छी अवस्था से बाबा का परिचय देना है। गायन भी है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, हम किसके पास आए हैं, अभी तुम बच्चों को उसका परिचय है। शिव बाबा का परिचय और श्री कृष्ण जी की महिमा, दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए ये याद दिलाना है सभी को। ये वही समय है जब गीता ज्ञान दाता शिव बाबा सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हम सभी परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा आते हैं, ज्ञान का कलश माताओं को देते हैं। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती हैं। अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, ज्ञान की धारणा अच्छी रीति करनी है, तभी दूसरों को करा सकेंगे। श्रीमत कहती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, किस्मत अच्छी कैसे बनती है। बाबा ने आज इन सब रहस्यों को खोला है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाबा का नाम बाला कर सको। अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाबा का नाम बाला कर सको। क्वेश्चन है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाबा का शो करेगी? बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाबा का शो करेगी? जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सकें। जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सके। ऐसी एकरस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। ऐसी एकरस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं, आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती, अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण जी को कहें तो ये बातें हो ना सके। वो तो सतयुग के प्रिंस हैं, गीता ज्ञान दाता स्वयं निराकार परमात्मा है। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए, वो तो दरकार नहीं, ये तो एक सेकंड की बात है। सिर्फ एक बात सिद्ध करने के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग ज्ञान सिखाया जो अब प्राय लोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको अच्छी रीति गोले के चित्र पे सिद्ध करना है। गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई, परम पिता परमात्मा की महिमा, श्री कृष्ण जी की महिमा, दोनों को स्पष्ट करना है। वो है सतयुग के प्रिंस, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसने सहज राजयोग से राज भाग पाया
पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राजभाग पाया तब और है, ये सिद्ध करके बताना है। ध्यान से समझेंगे, ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। शिव बाबा ने जो सुनाया, सबसे पहले ब्रह्मा की आत्मा ने सुना, अर्थात श्री कृष्ण जी वाली आत्मा ने सुना, किस तरह से उन्होंने राजभाग शिव बाबा से पाया, ये बात औरों को समझानी है। पतित पावन परम पिता परमात्मा है। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है, ये सिद्ध करके समझाने में युक्तियां चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध करके बताना पड़ता। नंबर वन है ही गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं, ये किसी को पता नहीं। और सबके शास्त्रों का पता है, ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है ये किसने दी है, ये सिद्ध करना है। दुनिया दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है, ये सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। ज्ञान की बातें स्वच्छ बुद्धि में ही धारण हो सकती हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो ना सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात ये सिद्ध करनी है, गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य बात नहीं जानते, जो आया सो कहते रहते हैं, वो सर्वशक्तिवान है और उसे सर्वव्यापक कह देते। भूल सारी गीता से निकली, जो गीता ज्ञान दाता को भूल गए। अब ये बात समझानी है। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में सिद्ध करके बताओ गीता ज्ञान दाता निराकार शिव है। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को कोई जानते नहीं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। कह देते रघुपति राघव राजा राम, अब वह राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते रहते हैं, जानते कुछ नहीं। अब ये कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा गोला भी बनवाया जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची। वो तो कह देते कोई भी हो है तो सब भगवान। बाबा कहते तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूं। भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूं, वो फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। ये समझाने और कोई की बुद्धि में है नहीं, तुम्हें पहले ये भूल सिद्ध करके दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है, सब शास्त्रों की माई बाप उसका रचयिता कौन था। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह कृष्ण धर्म का शास्त्र। अच्छा बाइबल का बाप कौन है? क्राइस्ट। उनको कोई माई बाप तो नहीं कहेंगे, मदर की तो बात वहां है ही नहीं, यहाँ तो मात पिता है। श्री कृष्ण ने इस समय आकर के गीता ज्ञान सुना। श्री कृष्ण शिव बाबा को दोनों के अंतर को तुम बच्चों को स्पष्ट करना है। बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें सत्य गीता ज्ञान देते हैं। गीता किसने सुनाई, उनसे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते पतित पावन परमात्मा ने ज्ञान दिया, अभी गोला ऐसा बनाया जिससे समझ सके बरोबर परमात्मा ने ज्ञान दिया। श्री राधे श्री कृष्ण सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए, कोई ने तो उनको पास कराया होगा।
ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही तो नहीं बनती है। किस्मत बनाने वाला बाप या तो टीचर, या फिर बाप टीचर या सतगुरु। कहते गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। परवर्ती मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। ये बातें कोई भी समझते नहीं। वो तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान ये एक ही है, बाकी सब भक्ति की दुकानें हैं। बाबा कहते वेद शास्त्र सब भक्ति की सामग्री है। इन जप तप आदि से मैं किसी को नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सत्य ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। सारी सृष्टि का सदगति दाता वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुम्हें सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे, वही अब बनवा रहे हैं। 5 हजार वर्ष पहले जो चित्र बने थे, वही अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता, फिर वो एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही झगड़ा चलता रहता। धनी को जानते नहीं, निधन के बन गए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है। गीता ज्ञान दाता निराकार शिव है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो साकार हैं और वो निराकार हैं, उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए। गीता ज्ञान किसने दिया? अंधों के आगे आईना, अंधों के आगे बड़ी आरसी रखना है, आईना रखना है। यह अंधों के आगे आईना, जास्ती टू मच में नहीं जाना। कड़ी भूल ये है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। लक्ष्मी नारायण सतयुग में श्री राम सीता त्रेता में पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए। ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। विलायत वाले इन बातों को क्या जाने। ड्रामानुसार ये ज्ञान किसी के पास है नहीं। कहते ज्ञान दिन, भक्ति है रात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वो कहाँ से आया? ये बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया, ये किसी की बुद्धि में नहीं। श्री कृष्ण जी वाली आत्मा लास्ट बर्थ में शिव बाबा का माध्यम बनती है, ये बात कोई समझते नहीं। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना, ये स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? क्लास में हर एक टीचर अपने विद्यार्थी को समझता है, क्या यहाँ शिव बाबा नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाप का क्लास है, यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते? श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया। सिद्ध करके समझाते, गीता का भगवान ये है, उनके गुण ये हैं, श्री कृष्ण के गुण ये हैं। इस भूल के कारण भारत कोड़ी जैसा बन गया। तुम माताएं उनको कह सकती हो, तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पे रखा है, माताएं स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो। बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए, पॉइंट सब नोट करके समझानी चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है, यह प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध करके समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है, सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर और मस्त रहना चाहिए। आगे चलकर महिमा निकलनी जरूर है। तुम सबो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कुमारी वो
जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाई। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है, मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है, जगदम्बा सरस्वती ये मुख्य कुमारी है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार चाहिए, ये ज्ञान सूर्य है, ये गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ा ही है, ये मात पिता कंबाइंड है। हमारी दो मम्मा है, एक तो ब्रह्मा जिनमें शिव बाबा आते हैं, इनको बाबा ने कहा ये गुप्त बूढ़ी माँ है, और फिर हम सबकी संभाल के लिए जगदम्बा माँ को निमित्त रखा, उनके भी यादगार चित्र हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ा ही है, ये मात पिता कंबाइंड है। दुनिया ये नहीं जानती, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, वो फिर सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ ना सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे, बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है, ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर बाबा का शो करना है, गीता के भगवान को सिद्ध कर बाबा की सच्ची पहचान देनी है, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है, ज्ञान के शुद्ध घमंड नशे में रहकर बाबा का शो करना है, गीता के भगवान को सिद्ध कर बाबा की सच्ची पहचान देनी है। बहुत सुंदर वरदान। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, ये सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूं, मस्तक में देखे चमकती हुई आत्मा को, मणि को, जैसे सांप की मणि देखकर सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बहुत सुंदर बात। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बना देना, ये सच्ची सेवा है। सरल शब्दों में आपको कोई देखे तो उन्हें बाबा की याद आ जाए, बाबा के द्वारा कही गई बात याद आ जाए। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूँ, मस्तक में देखे चमकती हुई आत्मा को, मणि को, जैसे सांप की मणि देखकर सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। आज हम याद रखेंगे बाबा की याद में रहने वाले, औरों को भी याद दिलाने वाले, हम सच्चे सेवाधारी हैं। एकाग्र हो जाएं, अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। मैं सच्चा सेवाधारी हूं। बाबा की याद में रहना, दूसरों को याद दिलाना, ये मेरा परम कर्तव्य है। बाबा की याद आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, शक्तियों से सजाती है।
बाबा के स्वरूप को देखें, अनुभव करें। गुणों का सागर बाबा, शक्तियों का सागर बाबा, मुझ पर शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। विश्व की सब आत्माओं को इमर्ज कर उन्हें शुभ भावनाएं दें। सबको शुभ भावना देना, शुभ सोचना सेवा है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। मैं सच्चा सेवाधारी हूं, एक रस अवस्था में स्थित हूं, अचल अडोल हूं, हर्षित मुख। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।